कितनी भी रूखी बीजान झड़ते टूटते बाल हों, बालों का झड़ना नहीं रुकता है। बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, बाल रीग्रो नहीं कर रहे हैं, तो एक बार आप बस एक बार इस रेमेडी का यूज कर लीजिए और आपको 1 वीक में ही इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। 1 वीक में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इससे बाल लंबे, घने, मोटे होंगे, साथ ही जड़ से मजबूत होंगे। ये बालों को नेचुरल ब्लैक करेगी, शाइनी बनाएगी, सिल्की शाइनी स्मूथ करेगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये रेमेडी आपके बालों को काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी। बालों की जो ग्रोथ रुक जाती है ना एक जगह आकर, इससे बालों की ग्रोथ 2 गुना तेज़ी से होगी, बाल लंबे, घने, मोटे होंगे। ये रेमेडी आपके बालों के लिए रामबाण है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बर्तन, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है 1 गिलास पानी, फिर इसमें आपको ऐड करनी है 4 इलायची। जी हाँ, इलायची बालों को रीग्रो करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, और जो हेयर की ग्रोथ रुक जाती है ना उसे 2 गुना तेजी से बूस्ट करती है हेयर की ग्रोथ को। फिर इसमें आपको सेकंड चीज़ ऐड करनी है, वो है लौंग। लौंग बालों को नेचुरल ब्लैक करती है, रीग्रो करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, हेयर को जड़ से मजबूत बनाती है। फिर इसमें आपको ऐड करनी है 1 चम्मच चावल। चावल बालों की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करता है, बालों को रीग्रो करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करता है। इसे ओवरनाइट के लिए ढककर छोड़ देना है। फिर जब आप सुबह देखोगे तो पानी का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है और ये आपके बालों के लिए टोनर बनकर तैयार है। ये बालों की जो ग्रोथ रुक जाती है ना उसे बहुत तेज़ी से करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, बालों को रीग्रो करता है। अभी जो आपका टोनर है बनकर रेडी है, अभी इसे आपको छलनी से छान लेना है, ठीक है ना। अब इसे आपको अप्लाई कैसे करना है आप ध्यान से सुनना। आपको इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है, फिर इसे आपको अपने बालों में, स्कैल्प में और लेंथ में लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आधे घंटे बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी लगाकर छोड़ सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे बाल धोने के बाद भी लगा सकते हैं, हेयर वॉश कर लीजिए उसके बाद आप इसे लगाकर छोड़ दीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई चिपचिपापन है, ये आपके बालों की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करेगा। इसे गर्ल्स बॉयज़ दोनों यूज कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमेशा जरूर शेयर करना। बाय बाय, थैंक।